बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। मैं आपका कंप्यूटर टीचर यासर इकबाल। आज हम लेक्चर नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की थी, इसके अलावा हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देखे थे, उनके दरमियान रिलेशनशिप की बात की थी, और इसके अलावा हमने डिजिटल कन्वर्जेंस के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन आज हम बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? आप सब इसको इस्तेमाल भी करते हैं, जानते भी हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा इनटू प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इसको इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील कर लेता है, और आप उसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस में, ताकि आप इन फ्यूचर उसको देख सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो कंप्यूटर जो है दो चीज़ों पर मुश्तमल है। जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि एक कंप्यूटर जो है तभी मुफीद साबित होता है जब वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके काम करते हैं। अ कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द मशीन इज हार्डवेयर एंड प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर। जिस तरह से मशीन की अगर हम बात करें तो वो बेटा हार्डवेयर कहलाते हैं, उसके फिजिकली पार्ट्स हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिसको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करते हैं और यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेयर। जो डाटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं और हार्डवेयर जो है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक डम्ब मशीन है जो खुद कुछ नहीं कर सकती, यूजर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो काम करती है। जब तक यूजर्स उसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, वो कोई काम नहीं कर सकती। तो कंप्यूटर इज ओनली अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के। कंपोनेंट सिस्टम जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो उसके क्या हैं? सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर को जो कुछ भी दिया जाता है वो इनपुट कहलाता है। जो भी हम कंप्यूटर में कुछ डाटा, कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो इनपुट करते हैं, वो हमारी इनपुट कहलाती है। द डाटा और इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। बात कर रहे थे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस की पहले बात करते हैं। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर में जो कुछ भी दिया जाता है, चाहे वो डाटा की सूरत में है, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस की सूरत में है, वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में दाखिल कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, कीबोर्ड और माउस। माउस के जरिए हम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर में दाखिल कर सकते हैं, और कीबोर्ड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं डाटा की इनपुटिंग करने के लिए। नंबर सेकेंड, अगर हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइसेस की, तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होता है? द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड CPU। जो हम डाटा प्रोसेस करते हैं इनपुट करने के बाद, वो CPU परफॉर्म करता है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इट्स द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव CPU। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास CPU होता है। CPU डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CPU की अगर मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें मेन मेमोरी यूज करते हैं। मेन मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। जो मेन
मेमोरी होती है वो डेटा को स्टोर करती है, क्या करने के लिए, टेम्परेरीली वो स्टोर करती है बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने से पहले वो डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। द मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द सीपीयू। अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो वो क्लोजली कनेक्टेड होती है सीपीयू के साथ, सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है, बट इट्स सेपरेट फ्रॉम इट, लेकिन इससे थोड़ी सी अलहदा होती है। नंबर थ्री, आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जो हम डाटा प्रोसेस करते हैं इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट, वो आउटपुट कहलाती है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग। जितना भी डाटा प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट डिवाइसेस अब वो डाटा को डिस्प्ले करती हैं स्क्रीन के ऊपर, हार्ड कॉपी के ऊपर। एग्जांपल्स अगर हम इसके लें तो मॉनिटर इसकी एग्जांपल है, प्रिंटर इसकी एग्जांपल है। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दिखाता है और प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट। नंबर फोर, बात करें स्टोरेज डिवाइसेस की, तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस आर रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। ये स्टोरेज डिवाइसेस रेफर कर रही हैं सेकेंडरी स्टोरेज को। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? जिसको हम परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। द मेन मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स टेम्परेरीली। जैसा कि अभी हमने बात की, जो डेटा है, जो प्रोग्राम्स है या कोई इंफॉर्मेशन है, वो टेम्परेरीली आरजी तौर पर वो स्टोर हो जाती है, उसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो परमानेंट मेमोरी को रेफर कर रही है, और सेकेंडरी स्टोरेज स्टोर द डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। अगर इस हम इसकी एग्जांपल लें, हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव्स, सीडी रोम, ये एग्जांपल्स हैं किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज की। तो बेटा, आज हमने जो पढ़ा कंप्यूटर के बारे में जाना हमने कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जो एक ऐसा प्रोग्राम जो उसको किया होता है कि वो डाटा को प्रोसेस करती है यूजफुल इंफॉर्मेशन में। उसके बाद हमने उसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात की, चार किस्म के हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े, इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हमने, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ी, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।